हाय फ्रेंड, मैं रामचरण प्रजापति, आपका अपना दोस्त राम टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूँ। पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, बट वो ड्राइंग पे बनाया था ड्यूल स्टार्टर के बारे में। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें हार्ड वायरिंग करके दिखाई है, तो आज जो एक हार्ड वायरिंग का छोटा सा ड्यूल स्टार्टर का वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हमको ड्यूल स्टार्टर के अंदर क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं। एक कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक रिले की जरूरत पड़ेगी, एक एमसीबी हो, एमपीसीबी हो, एमसीसीबी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल, एफएन हो, डिपेंड ऑन मोटर रेटिंग के मोटर की रेटिंग क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये 32 एम्पीयर की एमसीबी है, ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का ये एडन ब्लॉक है, ठीक है ना। MNX 40 का कॉन्टेक्टर है, ये उसका एडन ब्लॉक। ये हमारी रिले है 3 से 5 की, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं इसकी रेटिंग, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। दो कंट्रोल एमसीबी, ये देखें आप, दो कंट्रोल एमसीबी, अगर आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं न्यूट्रल को डायरेक्ट करके, और चाहें तो दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमको ऑन ऑफ पुश बटन की जरूरत पड़ेगी कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए, इंडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑन का, ऑफ का और ट्रिप इंडिकेशन हम इसमें शो करेंगे। इसके अलावा हमको कुछ वायर की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास सारी चीजें हैं, ये मेरा ये ऑन ऑफ पुश बटन और प्लस जो ट्रिपिंग का इंडिकेशन, ऑन का इंडिकेशन और ऑफ का इंडिकेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसको फ्लैट में देख आपको दिखा दूं, मैंने एक न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूट्रल डायरेक्ट है, ठीक है। अब इसकी हम वायरिंग चालू करते हैं, तो पहले हम पावर वायरिंग करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो करेंगे हम वो कंट्रोल वायरिंग। तो पहले हम पावर वायरिंग स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। यहाँ पर हम कंट्रोल एमसीबी भी माउंट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारी दो कंट्रोल एमसीबी हो गई है, ये पावर एमसीबी हो गई है, कॉन्टेक्टर हो गया, एडन ब्लॉक को भी लगा देते हैं, ठीक है। अभी ये रिले को भी यहाँ पे लगा ही देते हैं मेरे हिसाब से। रिले के पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, ये जो रिले है इसमें ध्यान से देखिए आप, ऑटो और मैनुअल, ये लीवर को हम अगर आगे रखेंगे, ऑटो में रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर जब मोटर ट्रिप होगी तो ये ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम मैनुअल में रखेंगे तो जब तक हम रिसेट करेंगे नहीं, जब तक रिसेट नहीं होगी, ठीक है। हम इसको मैनुअल यहाँ से रिसेट ट्रिप कर सकते हैं, ये देखिए आप बटन दिख रहा है आपको, इसको अपन पुश करेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, और जब इसको हम पुश करेंगे ओआर को तो ये रिसेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेटिंग है, जितने भी हमको क्या कहते हैं रिले की रेंज बढ़ानी हो तो इसको टर्न राइट करेंगे तो ये रेंज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वायरिंग, फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा कनेक्शन जो भी हो ना आपके बॉस टाइट होना चाहिए। ठीक है, अब साथ में हम रिले भी लगा देते हैं।
दिल्ली में एक चीज बता दूं मैं आपको, 95 और 96 एनसी है, 95 96 एनसी है। हम यहाँ पर एमसीबी से जो तार आएंगे वो यहाँ जाएगा हमारा, और इसके बाद यहाँ लगा देंगे। आउटपुट जो हमारा निकलेगा पुश बटन के लिए जाएगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से एक नॉर्मली हम एक लूप बना देंगे 97 और 95 में एक लूप लगा देंगे, ताकि इसको यहाँ से सप्लाई मिलती रहे। क्योंकि जब ट्रिप होता है ना तो ये दोनों एनसी बन जाता है, 97 98 एनसी बन जाता है, और 95 और 96 एनओ बन जाता है, और नॉर्मल कंडीशन में 95 96 एनसी रहता है, ठीक है। तो हम रिले लगा देते हैं, हमारी रिले भी लग गई है, कनेक्शन भी हमारे हो ही गए। अब हमारा बचा है कंट्रोलिंग का, तो कंट्रोल कनेक्शन करेंगे अपन। तो सबसे पहले ये जो है हमारा, हम जनरली इसको आउटपुट से भी, कुछ लोग क्या कहते हैं कंट्रोल सप्लाई लेते हैं, कुछ इनपुट से भी लेते हैं, हम लोग इनपुट से लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसी में घुमा देंगे, इनपुट से सप्लाई लेंगे हम, ठीक है। तो चालू करते हैं काम। ये हमने रिले जो है रिले के 95 पे कनेक्शन कर दिए हैं, और एक छोटा तार भी निकाल लिया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम इसी में लूप बनाएंगे जैसा कि आपको बताया था, इसमें लूप लगा देते हैं ताकि कभी ट्रिप हुआ तो ये 97 में हम इसके साथ लूप लगा देंगे, ठीक है। ये 97 में लूप हो गया। अब ये जो तार है हमारा ये एमसीबी के में जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम क्या है, बीच में एक ये जो तार है हमारा इसको हम यूज करेंगे ऑन ऑफ के इंडिकेशन के लिए, ठीक है। इसके साथ एक तार लगा देंगे हम जो इसको इसके एनओ एनसी में काम आएगा, क्योंकि हमारा इंडिकेशन भी तो ऑन करना है ना हमको, तो इसका जो एनओ एनसी सॉरी ये जो एडन ब्लॉक है इसीलिए यूज कर रहे हैं हम। दो कारण है एडन ब्लॉक के यूज करने का। पहला, हम जो हमारा इंडिकेशन है उसको ऑन ऑफ करेंगे इसी इसके द्वारा, और दूसरा जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा होल्डिंग के लिए, एडन ब्लॉक का यूज इसलिए करते हैं, ठीक है। तो इसको भी कनेक्शन कर देते हैं साथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दोनों हमारे कनेक्शन हो गए और इसको हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ लूप लगा देंगे, ये जो छोटा सा लूप बनाया हमने, क्योंकि हमको एनओ और एनसी दोनों यूज करना है, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ तक काम हो गया, ये भी हमारे कनेक्शन हो गए। अब आगे, अभी जो इसका एनसी यूज कर रहे हैं, एनसी कहाँ जाएगा हमारा, ये जो हमारा ऑफ पुश बटन है इसके इनपुट में जाएगा, ठीक है। तो इसको भी लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा एनसी है यहाँ जब हम यूज करेंगे इसके एनसी में दे देंगे, ठीक है। हम यहाँ दो तार लगाएंगे, एक हमारा होल्डिंग में जाएगा और एक एनो पुश बटन में जाएगा, ठीक है। ये छोटा वाला जो तार है ये हमारा पुश बटन में जाएगा, एनो पुश बटन में।
और ये जो तार है हमारा ये होल्डिंग में चला गया हमारा। ये लो अपन ने यूज कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेंगे दूसरा तार। अभी हमारे पास पीला कलर का तार है तो पीला कलर का तार यूज कर लेते हैं। ये देखें, ये जो लास्ट वाला तार है अपना एनो पुश बटन का आउटपुट, ये जाएगा कॉन्टेक्टर के क्वाइल का। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर है, ये जो अपना कॉन्टेक्टर इसकी क्वाइल को जाएगा, इसको रखते हैं कैसा तार जाएगा, यहाँ डाल देते हैं क्वाइल पे। और उसमें ये दो तार लगेंगे, एक होल्डिंग को जो सप्लाई देगा, क्योंकि एनो पुश बटन जब छोड़ते हैं तो वापस एनो बन जाता है वो। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू सप्लाई देने के लिए होल्डिंग करना जरूरी है। तार जो निकाला है ये तो अपन ने इससे लिया, ये देखिए आप इससे लिया, और दूसरा वाला तार हम होल्डिंग में जो ये वाला तार था हमारा इसके साथ दे देंगे। ठीक है, एनो में दोस्तों कंट्रोल वायरिंग तो कंप्लीट हो गई है, बस अभी हमको तीन चीज़ें लगानी है, ऑफ का, ऑन का और ट्रिप का इंडिकेशन। तो चलो अब इसकी वायरिंग करते हैं। मैंने इसमें तीन तार निकाल लिए हैं, देखें आप, जिसका न्यूट्रल अपना काम नहीं है, तीन तार निकाल लिए इसमें अपन ने। ठीक है, और न्यूट्रल जिसका काम है। ठीक है, अब इसके कनेक्शन करते हैं। ये हमारा इंडिकेशन है ऑफ का, तो ये जाएगा एनसी में। ठीक है, ये हमारा ऑन का है, ये जाएगा एनओ में, क्योंकि जब कॉन्टेक्ट ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, एनओ एनसी बन जाएगा, एनसी एनओ बनाएगा। ठीक है ना, ये एनओ में लग गया। ये जो है हमारा ट्रिपिंग का, ये रिले के टिपिंग वाले पॉइंट पे जाएगा। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब छोटा सा कनेक्शन और करना है, ये न्यूट्रल को हमको कॉन्टेक्टर की कॉइल में डालना है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये कॉन्टेक्ट को कॉइल में डालना है, क्योंकि न्यूट्रल तो काम नहीं करेंगे अपन। ये हमारा होगा न्यूट्रल है, और सीधे देंगे कहाँ पर, हम एमसीबी में। ठीक है, आई थिंक मेरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, बस इसको कंट्रोल सप्लाई देनी है, उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से रन होता के नहीं, कहीं हमारी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको चालू करने का सोर्स देते हैं।
दोस्तों हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब देखेंगे हम ये प्रॉपर वर्क करता कि नहीं करता। ठीक है, देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, बाकी तो एक चीज़ ध्यान रखिए, काम हर आदमी कर लेता है, लेकिन काम वो होता है जो फिनिशिंग के साथ करे। काम करने के बाद जो फिनिशिंग आती ना वायरिंग की, भाई उसकी बात ही कुछ और है। ठीक है, तो सप्लाई ऑन करता हूँ मैं, ये देखिए अभी हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑफ है, इसका मतलब हमारा मोटर भी ऑफ है। मोटर ऑफ है इसका मतलब ऑफ का इंडिकेशन हमारे सामने चल रहा है। ठीक है, अभी को चालू करते हैं बॉस। ये देखिए ग्रीन इंडिकेशन हो गया और हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया, जैसा कि आपको आवाज़ भी आया होगा ये ऑन हो गया। फिर बंद करते हैं, ऑफ ऑन ऑफ। अभी हमारा मोटर ऑन है, सपोज माना अगर ट्रिप हो गया तो क्या करेंगे, तो ट्रिप कैसे होगा, तो ये हम मैनुअल ट्रिप कराते हैं। ये देखिए कॉन्ट्रेक्टर बंद हो गया और रिले भी हमारा, ये रिले ट्रिप हो गया। अगर जब हमारा रिले ट्रिप हो जाएगा तो हम मोटर ऑन होती कि नहीं होती ये भी देखते हैं, भैया हमारी मोटर ऑन नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो इसको रिसेट करते हैं पहले, ये रिसेट हो गया, फिर ऑन करते हैं, ऑन ऑफ। तो दोस्तों ये ड्यूल स्टार्टर है, अगर मैं ऑन करता हूँ और अगर ऑन नहीं होता कॉन्ट्रेक्टर मेरा, तो इसका मतलब ये है कॉन्ट्रेक्टर का ये जो है कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम है। अगर मेरा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो रहा है लेकिन मोटर नहीं चल रही है, तो ये पावर का प्रॉब्लम है, हो सकता है मोटर को सिंगल फेसिंग हो रहा है, या मोटर का कोई तार खराब हो गया। ठीक है ना, या MCB से सिंगल फेसिंग हो रहा है, रिले से सिंगल फेसिंग हो रहा है। अगर सिंगल फेसिंग हो तो रिले ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, अगर हम सबसे पहले ऑन करते हैं, सबसे पहले हम MCB में ऑन है, ऑन पे हम सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई आ रही है नहीं रही। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो NC पॉइंट है रिले का उस पर चेक करेंगे, उसके बाद अगर रिले का आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा उस पर चेक करेंगे, उसके बाद हमारा ये जो ये ऑफ पुश बटन है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ से के बाद यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर भी बराबर आ रहा है तो यहाँ चेक करेंगे, कहाँ यहाँ पर, यहाँ अगर चेक आ रहा है सप्लाई तो फिर क्या होगा, हमारा कॉइल पे चेक करेंगे, हो सकता है कॉइल का प्रॉब्लम है या न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। अगर न्यूट्रल फेज दोनों प्रॉपर आ रहा है तो ये कॉइल ख़राब होने के 99% के 100% चांस है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिक जहाँ जहाँ से हमारी वायरिंग है वहाँ वहाँ हम चेक करेंगे पावर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं छोटा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कारण ये है ना, छोटा वीडियो बनाने में पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा किसी भी चीज़ को मैं, और अगर आपको छोटा वीडियो चाहिए तो उसको 2-3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 पार्ट की अपेक्षा एक ही पार्ट में बनाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिवर्स फॉरवर्ड, उसके बाद लेंगे अपन क्रेन का, 2 क्रेन, एक तो सिंगल गार्डर क्रेन और एक डबल गार्डर क्रेन, जो कि जो SMS में यूज होती है डबल गार्डर रेजिस्टेंस वाली, और एक होती है हमारी रोलिंग मिल में, जनरली रोलिंग मिल में भी डबल गार्डर की होती है, बट क्या है ना कि कई जगह सिंगल गार्डर की भी लगती है, तो दोनों की वायरिंग अपन चेक करेंगे। थोड़ा ठंडी है, थोड़ा ध्यान रखिए अपना। ओके बॉस।